तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे अपने पीसी के अंदर शॉर्टकट वीडियो एडिटर को इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है। देन आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन करके ऊपर सर्च बार में टाइप करना है शॉर्टकट डाउनलोड। एंटर हिट करने के बाद आपको यहाँ पर एक वेबसाइट लिंक मिलेगा www.shortcut.org/download। आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करके शॉर्टकट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। देन शॉर्टकट वीडियो एडिटर को अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर गिटहब के नीचे एक ब्लू कलर का विंडोज इंस्टॉलर ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इस तरीके से शॉर्टकट एप्लीकेशन आपके पीसी के अंदर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको डाउनलोड लोकेशन पर चलना है और शॉर्टकट वीडियो एडिटर को अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक कर देना है। देन यूजर अकाउंट कंट्रोल पैनल को यस में परमिशन देने के बाद कुछ इस तरह की लाइसेंस एग्रीमेंट शॉर्टकट सेटअप विंडो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ से इनके लाइसेंस एग्रीमेंट को रीड कर लेना है और रीड करने के बाद आई एग्री बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये डेस्टिनेशन फोल्डर को बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा। आपको बस यहाँ पर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट के सामने वाले चेकबॉक्स को टिक करके फाइनली इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और इस तरीके से शॉर्टकट एप्लीकेशन आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर क्लोज बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और अपने पीसी की सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और ब्राउजर्स को क्लोज करने के बाद आपको आपके डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट वीडियो एडिटर का आइकन देखने को मिल जाएगा। अब इस एप्लीकेशन को अपने पीसी के अंदर रन करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है और इस तरीके से आप शॉर्टकट वीडियो एडिटर को अपने पीसी के अंदर डाउनलोड, इंस्टॉल एंड ओपन कर सकते हो।